कुछ दिनों की बात है, जो हमारे प्रभंजन भाई है वो गए थे मार्केट में, तो दो लड़कों ने उन्हें का पीछा किया। तो उन्हें पूछ दिया कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो वो बोले कि भैया हम आपका चैनल देखते हैं और ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमें बहुत सारे डाउट्स हैं, हम आपके वीडियोस तो देखते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ एंड करना है, क्या करना है, तो उनको ये बात समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो डिवाइड डिवाइड हो गया है और पता नहीं लोग शुरुआत से क्यों नहीं देखते, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी सारे वीडियो हैं उनको मिला के एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ, जो कि होगा हाउ टू स्टार्ट ए हिंदी ब्लॉग। सब बोलते हैं इंग्लिश ब्लॉगिंग के बारे में, और हिंदी ब्लॉगिंग मैं मानता हूँ कि इंग्लिश ब्लॉगिंग से थोड़ा अलग है, क्योंकि इतना सारा टूल्स डेवलप नहीं हुआ है जो कि हिंदी ब्लॉगिंग के लिए बेहतर होगा या हिंदी ब्लॉगिंग के लिए एक्यूरेट साबित होता है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ हिंदी ब्लॉगिंग इंग्लिश ब्लॉगिंग के मुकाबले थोड़ा पीछे है, क्योंकि इसके लिए इतना सारा टूल नहीं बना। तो आज के इस वीडियो में मैं सब टॉपिक के बारे में कवर करने वाला हूँ कि आपके लिए ब्लॉगिंग सही है कि नहीं, कि अगर आप एक हिंदी ब्लॉग शुरू करना चाहते हो इंडिया में, जहाँ आप एडसेंस या दूसरे किसी एड नेटवर्क से पैसा कमा सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं हिनी मैन करी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, और आपको बताता हूं मैं कि हिंदी ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए ब्लॉगिंग का वीडियो शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग एक तरह का बिजनेस है, जैसे हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। अगर मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में टीचर हैं या फिर आप ट्यूशन देते हो, जैसे आप 5, 10, 50 बच्चों को पढ़ाते हो, अगर इसी तरह आप अपना नॉलेज को किसी ऑनलाइन डायरी में शेयर करते हो, या ऑनलाइन वेबसाइट है, एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म है, उधर आप शेयर करते हो, तो उससे हम ब्लॉगिंग कहते हैं और इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। ब्लॉगिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है नीच। नीच मतलब टॉपिक या फिर कैटेगोरी, किस कैटेगरी के ऊपर आप लिखना चाहते हो। लेकिन उससे भी पहले और एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि है क्या आपके लिए ब्लॉगिंग सही है। अगर आपके लिए ब्लॉगिंग सही नहीं है और आप मेरे जैसे दूसरे किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के आ गए हो कि वो भी कमा रहा है, वो भी कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, तो ब्लॉगिंग इस तरह काम नहीं करता। उसके लिए पैशन, डेडिकेशन की ज़रूरत होता है, और आपको लिखना आना पसंद होना चाहिए। अगर आपको लिखना नहीं पसंद और आपको लग रहा है कि लिखते लिखते मुझे पसंद आ जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल बात है। तो चलिए डिस्कवर करते हैं कि ब्लॉगिंग आपके लिए सही है नहीं। देखिए, ब्लॉगिंग ऐसा काम है जिसमें आपको रोज़ लिखना होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप राइटर हायर कर सकते हो, लेकिन सबके पास मतलब ज़्यादा होगा लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं होता, कम ही पैसा होता है, तो वो राइटर हायर नहीं कर सकते, तो उनको खुद लिखना होगा। अगर आपको लिखना नहीं पसंद और आप इस फील्ड में आ जाते हो कि मुझे लिखना पसंद आ जाएगा ये सोच के आते हो, तो कुछ दिनों बाद आपको ये चीज़ थोड़ा टास्क की तरह लगने लगेगा, क्योंकि आपको लिखना पसंद नहीं है, आपको ज़बरदस्ती आप लिख रहे हो क्योंकि आपको पैसा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग में आप आज घुस गए तो कल पैसा मिलेगा, इसके लिए टाइम लग सकता है। कितना टाइम ये मैं भी नहीं बता सकता, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मुझे तो 3 साल बाद मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग हुआ था। तो सोचो कि आपको भी उतना वक्त लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप काम करोगे तो हो सकता है, उसके लिए आपको लिखना आना पसंद होना चाहिए। तो अगर आपको लिखना पसंद है या फिर आप रेगुलर लिख सकते हो, वीकली 3-4 आर्टिकल हुआ ऐसे ही कुछ, अगर आप लिख सकते हो तो आपके लिए ब्लॉगिंग सही है। अगर आपको लिखना नहीं पसंद या आपने पहले कभी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब किसके टॉपिक के ऊपर लिखा ही नहीं है, आप किसी टॉपिक के ऊपर कुछ रिसर्च नहीं किए हो, तो वीडियो को यहाँ से बंद कर दीजिए, आगे देखने का कुछ फायदा ही नहीं है। क्योंकि आपको लिखना पसंद नहीं है तो ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। आपने डिस्कवर कर लिया कि आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना नहीं पसंद फिर भी आप लिख सकते हो, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो दूसरे नंबर पर आता है वो है क्यूआर रिसर्च, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कौन से कैटेगरी के ऊपर आप लिखना चाहते हो। कोई भी ब्लॉगिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर दूसरे लैंग्वेज पे हो, बहुत सारे ब्रॉड कैटेगरी है,
कुकिंग, फैशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस बहुत सारे कैटेगरी है जिसके ऊपर लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आज किस टॉपिक के ऊपर लिख दिए, दूसरा देख लिए कि उसने कुछ लिखा है उसके ऊपर फिर लिख लिए, तो इस तरह से ब्लॉगिंग काम नहीं करता। आपको किसी पर्टिकुलर नीच के ऊपर काम करना है, मतलब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर। अगर आप टेक्नोलॉजी लिखे हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर आप कुकिंग लिखे तो कुकिंग के ऊपर, फैशन लिखे हो फैशन के ऊपर। क्योंकि जब भी आप एक मल्टी नीच बना लेते हो तो गड़बड़ हो जाता है, आपको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है, इधर सबको डिस्कशन नहीं हो सकता। शायद मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर वीडियो है तो मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा। हिंदी ब्लॉगिंग के लिए उतने बेहतर टूल्स नहीं बनाए गए हैं, फिर भी मैं जो टूल रिकमेंड करता हूँ वो है qrtool.io। इससे आप थोड़ा बहुत qr रिसर्च कर सकते हो, मतलब अच्छा काम करता है। अगर आप इसका पेड वर्सन लेते हो तो फ्री वर्सन में आपको qr का आइडियाज मिल जाते हैं, लेकिन आपको सर्च वॉल्यूम ये सब वगैरह नहीं मिलता। तो आपको आखिर किस टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग शुरू करना है, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट टूल है वो गूगल का है, वो है क्वेश्चन हब। आप क्वेश्चन हब पे जाके वहाँ पे रजिस्टर करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरी मिलेंगे, जैसे कि आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल्स, फूड, ड्रिंक वगैरह वगैरह, ये सब ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अंदर सपोज मैं जाता हूँ इंटरनेट एंड टेलीकॉम, देखिए इसके अंदर भी मुझे एंड्रॉयड पी, एंटीना, भारतीय एयरटेल, भीम, बिट, तो ये ऐसे बहुत सारे कैटेगरी मिल जाता है। आप चाहे तो इन सब टॉपिक के ऊपर माइक्रो नीचे बना सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है कि लोग उस टॉपिक के ऊपर क्या ढूंढ रहे हैं, बस आप कोई ब्रॉड कैटेगरी पे जाइए, उसके अंदर सब कैटेगरी पे जाइए, वहाँ पे आप बस ऐड करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको एक अंदाजा, एक आइडिया लग जाएगा कि लोग आखिर उस टॉपिक के ऊपर क्या क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। और मैंने और एक वीडियो बनाया था जहाँ की मैंने बेसिक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात किया था गूगल सर्च की मदद से, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, आपको मैं लिंक ऊपर दे दूंगा। एक बार आपको आइडिया आ गया कि आपको कौन सा टॉपिक चूज करना है, उसके बाद बात आता है क्वालिटी कॉन्टेंट का। क्वालिटी कॉन्टेंट मतलब जो पहले से नहीं लिखा गया हो, आपके लिए यूनिक होना चाहिए आर्टिकल। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दोगे जो कि इंटरनेट पे है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन, आपका जो आर्टिकल लिखने का तरीका, वो दूसरों से यूनिक होना चाहिए, जो कि पहले से गूगल के डाटाबेस में ना हो, ये होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्वालिटी आर्टिकल लिखना आना चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे कैसे कहाँ से ढूंढ के, एक अगर आपको एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है तो आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के एक यूनिक आर्टिकल लिख सकते हो, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि एक क्यूआर के ऊपर आप कहाँ से आइडिया लोगे और कैसे एक यूनिक आर्टिकल लिखोगे। ये चीज बेसिक लोगों के लिए है जो कि रिसर्च करना नहीं जानते कैसे एक यूनिक आर्टिकल बनाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको कम से कम 10 से 15 क्वालिटी आर्टिकल लिखना है, उसके बाद जाकर आप सोचना कि मैं आगे बढ़ूँ डोमेन या होस्टिंग वगैरह वगैरह कुछ खरीदने के लिए। मान लीजिए कि आपको एक दुकान देना है, आपको किसी चीज़ का दुकान देना है, इसलिए मैं दुकान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग भी एक दुकान है ऑनलाइन दुकान की तरह। आप एक ऑफलाइन दुकान देना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक घर बना लिया, उसके अंदर आप बस एक चॉकलेट का जार लेके बैठ जाओगे, कोई आएगा देखेगा बस ये चॉकलेट ही रखा है, आप सोचोगे नहीं दो दिन बाद मैं दूसरा सामान लाऊंगा, उसके दिन बाद मैं और कुछ लाऊंगा, तो ऐसे खन से लोग नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो पहले अच्छे से कुछ क्वालिटी कॉन्टेंट लिख लो, उसके बाद जब 10 या 15 आर्टिकल आप लिख लेते हो, उसके बाद जाके आप डोमेन होस्टिंग के बारे में सोचना। अगर आप लिख लिए 10 आर्टिकल तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डोमेन सिलेक्शन। आप जिस कैटेगरी पर काम कर रहे हो आपका डोमेन उसी रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं डोमेन का नाम cooking.com रख देता हूँ और मैं लिख रहा हूँ उधर क्या फैशन के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर, तो लोगों को थोड़ा मिसगाइड होता है। आप जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो उसी नीच के ऊपर अगर आपका डोमेन होगा तो ये ब्रांडिंग के लिए अच्छा काम करता है, नहीं कि आपको रैंकिंग में कुछ फर्क पड़ेगा। आप कुछ भी एक्सपर्ट कुछ भी डोमेन ले लो, अगर अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखो ठीक से काम करोगे तो रैंक करेगा, लेकिन जब बात आता है ब्रांडिंग का तो इसमें ये थोड़ा पीछे रह जाता है। तो इसलिए डोमेन ऐसा चूज करना
जो आपके जो कैटेगरी है उससे मैच करे। डोमेन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक अच्छा सा क्वालिटी डोमेन कैसे चूज करना है, उसका भी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डोमेन के लिए मैं दो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, पहला है गोडाडी और दूसरा है नेमचीप। गोडाडी इसीलिए क्योंकि ये इंडियन का बहुत सारा कार्य एक्सेप्ट करता है और पहला साल ये अपना जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ्री में रहता है, लेकिन दूसरे साल में आपको 500 रुपया चार्ज करता है। लेकिन नेमचीप के साथ ऐसा नहीं है, नेमचीप में आपको भले ऑफर मिले ना मिले, लेकिन ये जो इसका जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो हर साल के लिए फ्री है। अगर आप रिन्यू भी कराते हो तो आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन होता क्या है, जब आप एक डोमेन खरीदते हो तो डोमेन के साथ आपका जो पर्सनल डिटेल है, आपका नाम एड्रेस सब कुछ जुड़ जाता है। तो बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो कि आपका नाम का यूज करके, आपका ईमेल का यूज करके बहुत सारे स्पैम मेल भेजते हैं, आपको कॉल करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन चाहते हो वो भी फ्री में, तो आप नेमचीप कंसिडर कर सकते हो। डोमेन आपने खरीद लिया, फिर आते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। आप किस प्लेटफॉर्म पे अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हो? दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, एक है गूगल का ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। अगर आपको होस्टिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है तो आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। अगर आपको फुल्ली कंट्रोल चाहिए अपने ब्लॉग के ऊपर, आपको अपने मन मुताबिक आपको चेंजेस करना है, डिजाइन करना है, वो भी बस इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है प्लगइन, आपका जो डिजाइन या फिर आपको जो फीचर चाहिए वो हो जाएगा, तो उसके लिए वर्डप्रेस बेहतर है। ब्लॉगर के साथ इतना सारा आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ वर्डप्रेस। और इसके ऊपर भी चैनल पे एक वीडियो है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करना चाहते हो तो आपके लिए ब्लॉगर बेहतर होगा या फिर वर्डप्रेस। तो उसे देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किसके ऊपर काम करना है। अगर आपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म चुना है तो डोमेन के साथ ये हो जाएगा, अगर आपने वर्डप्रेस चुना तो आपको नेक्स्ट चाहिए एक होस्टिंग। मान लीजिए कि डोमेन आपका एड्रेस है तो होस्टिंग आपका घर होता है। अगर मैं किसी एरिया का लोकेशन दे दूंगा, उधर कुछ घर नहीं है तो लोग आप जाके पहचान नहीं पाओगे कि कौन से एग्जैक्टली कौन से जगह पे मुझे जाना है। अगर वहाँ पे घर बना होगा, रेड ब्लू किसी कलर का घर बना होगा, तो आप पहचान पाओगे नहीं यही घर है। तो ऐसे ही होस्टिंग घर है जहाँ पे आपका सब कंटेंट रहता है, आप जो भी लिखते हो, आपका इमेजेस रहता है, आपका आर्टिकल रहता है, आप वीडियो डाल सकते हो, कुछ और फाइल भी डाल सकते हो, तो होस्टिंग में ये सब चाहिए। अगर हिंदी ब्लॉगिंग की बात करें तो आपको इंडियन होस्टिंग की ज़रूरत है। आप डिजिटल ओशन क्लाउडवेज ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है और बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स के लिए मैं जो दो होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ, पहला है होस्टगेटर, दूसरा है होस्टिंगर। आपको इन दोनों का इंडियन होस्टिंग का प्लान चूज करना है, क्योंकि आपका जितने भी यूजर्स आएंगे वो इंडिया से आएंगे और इंडिया से इनका जो डाटा सेट होता है वो इंडिया में होता है, तो उनको एक्सेस करने में सुविधा होता है। मान लीजिए कि इधर मेरा लैपटॉप है, मैं इसको तुरंत एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये लैपटॉप अभी अमेरिका में होता तो इसको मैं रिमोट से एक्सेस करता तो नेट के थ्रू जाता ये डाटा, तो टाइम लगता। इसी तरह अगर आपका डाटा सेंटर इंडिया में होगा, आपका होस्टिंग का जो डाटा सेंटर इंडिया में होगा, तो इंडिया के यूजर, क्योंकि हिंदी ब्लॉग में ज़्यादातर इंडिया यूजर रहेंगे, तो उनको फास्ट लोडिंग देगा जो कि रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। इसलिए हमेशा चीप होस्टिंग को छोड़े, ये भी सब चीप होस्टिंग है, मतलब उतना भी चीप नहीं है, लेकिन लो क्वालिटी होस्टिंग को छोड़ के इनको कंसिडर करिए, क्योंकि ये इंडियंस इंडिया में सर्वर देते हैं तो आपका जो साइट है वो बहुत फास्ट लोड होगा। आप होस्टिंगर और होस्टगेटर दोनों कंसिडर कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे आपको कूपन यूज करना है हिंदी में, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको जरूर यूज करें अगर आप होस्टिंग खरीदते हो। तो आपने होस्टिंग ले लिया, वहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ थीम्स इंस्टॉल करना है। जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको फैंसी थीम छोड़ के आपको कुछ सिंपल लाइटवेट थीम इंस्टॉल करना है जो कि यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे और फास्ट लोड हो, तभी जाके आपका कंटेंट अच्छा रैंक करेगा। मैं दो थीम ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, पहला है जेनरेटप्रेस और दूसरा है अस्त्रा। ये दोनों बहुत ही फास्ट लोडिंग थीम है और हमारे पास इनका अनलिमिटेड लाइसेंस है। अस्त्रा का भी हमारा जो उसका टॉप पैक है वो हमारे पास है,
हम बहुत जल्द इनको बहुत सस्ते दामों में आप तक कंट्रीब्यूट करेंगे, अभी नहीं लेकिन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। थीम्स का काम कंप्लीट हो गया, आपका डिजाइन ठीक ठाक हो गया, उसके बाद आपको कुछ बेसिक प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से और प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, लेकिन जितना नेसेसरी है बस उतने ही प्लगइन्स अपने ब्लॉग में इंस्टॉल करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्लगइन्स अपने ब्लॉग में इंस्टॉल करोगे आपका साइट का जो स्पीड है उतना कम हो जाएगा। आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए रैंक करने के लिए, तो उसके जो पहला प्लगइन है एसईओ के लिए, एक है योस्ट एसईओ और दूसरा है रैंक मैथ। दोनों ही बहुत पॉपुलर प्लगइन है। योस्ट एसईओ बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, रैंक मैथ नया है, लेकिन ये योस्ट एसईओ के मुकाबले ज़्यादा फीचर्स देते हैं। योस्ट एसईओ के प्रो वर्सन में जितने सारे फीचर्स हैं, रैंक मैथ के फ्री वर्सन में उतना सारा फीचर्स है, तो आप रैंक मैथ को कंसिडर कर सकते हो या फिर आप योस्ट एसईओ का भी काम कर सकते हो। एसईओ प्लगइन के बाद आपको कुछ कैचिंग प्लगइन इंस्टॉल करना है। कैचिंग प्लगइन का काम क्या है, वो आपका जो साइट है उसके जितने सारे पेजेस है उसका कैच वर्सन बना देता है, तो जो यूजर आता है उसको कैच्ड वर्सन दिखता है, ना ही उसका आपको सर्वर में जो साइट है वो चीज़ दिखता है। तो इसीलिए साइट यूजर को बहुत अच्छा एक्सेस मिलता है और अच्छा आपका साइट लोड होता है। कुछ बेहतरीन प्लगइन है जैसे कि WP सुपर कैच और W3 टोटल कैच, ये कुछ प्लगइन से आप इनको कंसिडर कर सकते हो। जो तीसरा प्लगइन आप कंसिडर कर सकते हो इमेज कंप्रेशन के लिए, क्योंकि आप जो भी कुछ इमेज डालते हो वो सब बड़ा इमेज, बड़ा साइज का इमेज होता है। अगर आप कुछ इमेज कंप्रेशन का प्लगइन इस्तेमाल करते हो तो इमेज को कंप्रेस कर देता है, जिससे कि आपका पेज का लोडिंग टाइम कम हो जाता है। और एक प्लगइन आप कंसिडर कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए, iThemes टोटल सिक्योरिटी या फिर सुकुरी, ये सब प्लगइन आप कंसिडर कर सकते हो जो कि आपको साइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। आपका साइट अब रेडी है, आपने आर्टिकल पहले से लिख के रखा हुआ है, डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग खरीद लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, उसमें थीम इंस्टॉल कर दिया, प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिया। अब बात आता है कुछ नेसेसरी पेजेस का। आपको अपने ब्लॉग पे कुछ नेसेसरी पेजेस बनाना है जो कि बहुत ज़रूरी है, और एडसेंस अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए भी ज़रूरी है, जैसे कि अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पेज, और आप डिस्क्लेमर पेज भी लिख सकते हो। तो आपको ये चारों पेज अपने साइट में बना देना है अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, तो ये सब चारों पेजेस बहुत ही जरूरी है। एक बार आपने चारों पेज बना लिया, फिर आता है आपको आर्टिकल पब्लिश करने का। आपने जो पहले से आर्टिकल लिख के रखा हुआ है उसको आपको अपने ब्लॉग में कैटेगरी वाइज पब्लिश करना है। उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको कैसे अपने आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज करना है और अपने ब्लॉग में पब्लिश करना है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो। अभी आपका ब्लॉग बिल्कुल भी रेडी है, आपने आर्टिकल भी पब्लिश कर लिया, नेसेसरी पेजेस भी बना लिया, फिर आता है आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाए। आखिर ट्रैफिक क्या होता है, जब कोई यूजर, दूसरा यूजर जाके आपका ब्लॉग विजिट करता है, आपके आर्टिकल्स पढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। तो ये आखिर आएगा कैसे, आप तो कोई पॉपुलर कंपनी नहीं हो जैसे कि फेसबुक या फिर दूसरा कोई बड़ा वेबसाइट नहीं हो कि यूजर जाके सीधा आपका वेबसाइट का URL एंटर करेगा और आपके वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए हम मदद लेते हैं सर्च इंजिन का, जैसे कि है गूगल। गूगल पर अगर हम कुछ सर्च करते हैं जो हमें रिजल्ट में मिलता है वो किसी ब्लॉग या फिर किसी वेबसाइट में लिखा रहता है, तो हमें सर्च इंजिन से या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक लाना है ताकि उससे हम मनी जनरेट कर सके। जैसे कि आपका दुकान है, दुकान पे जब यूजर आता है, कुछ खरीदता है, देखता है, तभी जाके आपका कुछ अर्निंग होता है। उसी तरह जब कोई यूजर आपके साइट पे आएगा तभी जाके आपका कुछ अर्निंग होना पॉसिबल है। पहले आना जरूरी है, उसके बाद कुछ खरीदे ना खरीदे अलग बात है, लेकिन पहले आना जरूरी है। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया जरिया है वो सर्च इंजिन। तो आपको आपके साइट का जो साइट मैप है, जो आपका योस्ट एसईओ या रैंक मैथ से जनरेट हुआ है, उसको आपको गूगल का सर्च कंसोल में सबमिट करना है। आपको अपना साइट को सर्च कंसोल में वेरीफाई करना है और अपने साइट मैप को उधर ऐड करना है। शायद इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको सर्च कंसोल में अपना डोमेन वेरीफाई करना है कि ये आपका डोमेन है, और आपका जो साइट मैप जनरेट होगा, साइट मैप का लिंक आपको उधर सबमिट करना है, ताकि आप जितना भी नया आर्टिकल पब्लिश करो
तो गूगल को एक अंदाजा मिल जाए कि आपने नया नया आर्टिकल पब्लिश किया है और ये सब उनका लिंक है। तो फिर बात करते हैं कि ट्रैफिक कैसे लाया जाए इनिशियल स्टेजेस में। जो इनिशियल स्टेज होता है आप गूगल से ट्रैफिक नहीं ला सकते, बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है गूगल को ट्रस्ट करने में कि आपका साइट थोड़ा क्वालिटी है और आपके जितने आर्टिकल लिखे उसको इंडेक्स में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये 6 महीने 1 साल लग सकता है, लेकिन तब तक आप कैसे करोगे? आपको तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होगा ना, तब करोगे इसे। जो पहला तरीका है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा जरिया है इनिशियल ट्रैफिक लाने का। अगर आपने अभी एक ब्लॉग बनाया है, आपने सारा आर्टिकल पब्लिश कर दिया, 10-15 आर्टिकल पब्लिश कर दिया है, तो आपको आपके ब्लॉग के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होगा। तो आप कौन कौन सा सोशल मीडिया कंसिडर कर सकते हो? एक है फेसबुक, दूसरा है ट्विटर, तीसरा है पिंटरेस्ट, उसके बाद टम्बलर, फिर आता है मिक्स। ये सब, ये जो 5 मैंने बताया, इन 5ों में आपको अपना अकाउंट खोलना है और उसमें आपको रेगुलर शेयर करना है, आपके जितने पोस्ट है उसको रेगुलर शेयर करना है। कोरा में भी एक लिंक शेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे भी जाके आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप फेसबुक ये सब वगैरह में अगर ग्रुप है, अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल लिखते हो, टेक्नोलॉजी से जो इतना ग्रुप है वहाँ जाके अगर आप शेयर करते हो तो इससे आपके आर्टिकल में विजिटर आने के चांसेस बढ़ जाता है। ना कि आप अपना आर्टिकल किसी कुकिंग के चैनल पर शेयर करो, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी के ग्रुप ढूंढो, वहाँ पे जाकर शेयर करो, खुद का पेज बनाओ, वहाँ पे जाकर शेयर करो। तो इससे सोशल सिग्नल मिलता है और थोड़ा बहुत आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी आता है। नेक्स्ट जो ट्रैफिक आने का जरिया है वो है कोरा। कोरा की तरह दूसरे भी प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, लेकिन हिंदी ब्लॉगिंग के लिए कोरा बेहतर है क्योंकि कोरा हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आप जाके कोरा पे एक अकाउंट बनाओ, वहाँ पे आप जो कैटेगरी से, मतलब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी में जितना सारा टॉपिक जो लोग पूछ रहे हैं जाके उनका जवाब दो। अपने प्रोफाइल में, कोरा के प्रोफाइल में आप अपना डोमेन नाम भी डाल सकते हो, जो आपने ब्लॉग बनाया उसका लिंक भी दे सकते हो, लोग आके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जहाँ आप आंसर दे रहे हो वहाँ पे जाके आप भी अपना लिंक स्मार्टली तरीके से शेयर कर सकते हो। ना कि हर पोस्ट में आप लिंक शेयर करने लगो, ऐसे में कोरा आपको बैन कर देगा। कोरा के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि कोरा से ट्रैफिक कैसे लेना है। ऐसे कुछ ब्लॉग है जो कि बिना गूगल के मदद से कोरा से भर भर के ट्रैफिक ला रहे हैं, आप इन तरीकों का फॉलो कर सकते हो, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि कोरा से आपको बिना किसी सर्च इंजन की मदद से कैसे ट्रैफिक लाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका हो गया वो है फॉरम्स। हिंदी में इतने सारे फॉरम्स नहीं है, लेकिन हमारा एक फॉरम है axe.hindime.net, वहाँ पे जाके आप सवाल पूछ सकते हो या अगर कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी यूजर आके आपके साथ इंटरेक्ट करेगा वो आपके प्रोफाइल चेक करेगा, अगर वहाँ पे आपका ब्लॉग का लिंक होगा तो जाके आपका ब्लॉग विजिट कर सकता है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट फॉरम में जाके एक्टिव रह सकते हो, वहाँ प्रोफाइल सेक्शन में अपना लिंक दे सकते हो ताकि आपके ब्लॉग पे लोग आते रहें उस फॉरम से। अगर आप फॉरम पे एक्टिव रहोगे, दूसरों का मदद करोगे, तभी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाएगा। इन सब तरीकों से आप अपने ब्लॉग में इनिशियल स्टेज में ट्रैफिक ला सकते हो और धीरे धीरे जैसे आपका ब्लॉग ग्रो करता जाएगा, नए नए आपके पब्लिश होते जाएंगे, तो गूगल में भी वो चीज़ इंडेक्स होने लगेगा और धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगेगा। जब आपके ब्लॉग में थोड़ा अच्छा खासा आपको लगे कि ट्रैफिक लोग रेगुलर आ रहे हैं, तो नेक्स्ट बात आता है मोनेटाइजेशन का। लोग पहले मोनेटाइजेशन सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि मैं पहले एडसेंस का अप्रूवल कैसे लूंगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। लोग पहले ये सोचते हैं, ब्लॉग के बारे में बाद में सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। पहले आप ये सोचें कि आपका जो ब्रांड वैल्यू, आपका जो ब्लॉग है उसको कैसे एस्टैब्लिश करें, उसके बाद जाकर आप मोनेटाइजेशन सोचना। बस एडसेंस एक लौता ऐसा जरिया नहीं है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, और बहुत सारा जरिया है जिससे आप अपने ब्लॉग के मदद से अगर वहाँ ट्रैफिक आ रहे हैं तो आप पैसा कमा सकते हो। जो सबसे पॉपुलर है हिंदी ब्लॉगिंग के लिए वो मैं कह रहा हूँ कि वो एडसेंस है। एडसेंस में आपको बहुत अच्छा खासा इनकम होता है अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहे हैं। अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है फिर भी आप एडसेंस लेके बैठेगा तो उसका करोगे क्या, क्योंकि बिना ट्रैफिक के कहीं पे पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले ब्लॉग में ट्रैफिक कैसे लाएं उसका सोचे। एडसेंस वगैरह बहुत सारा नेटवर्क है, बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। एडसेंस हो गया। दूसरा होता है आप एफिलिएट मार्केटिंग।
इतना हिंदी ब्लॉग में इतना सक्सेस नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन आप अगर ब्लॉगिंग नीच के ऊपर काम कर रहे हो तो उस नीच पे एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा काम करता है। और कुछ दूसरे भी नेटवर्क है जैसे कि एडजेब्रा, एडनाउ, ये सब हिंदी लैंग्वेज के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्लॉग का थोड़ा ऑथोरिटी बढ़ गया है, थोड़ा अच्छा खासा ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप फ्लाई आउट का भी चेकआउट कर सकते हो। फ्लाई आउट एक ऐसा प्रोग्राम है जहां लोग आपके ब्लॉग पे आके गेस्ट पोस्ट करते हैं और आपको उसके बदले कुछ पैसा देते हैं। आप अगर आपका ऑथोरिटी अच्छा है, अगर आपके ब्लॉग में अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप फ्लाई आउट का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां से भी मनी जनरेट कर सकते हो। अभी आपका ब्लॉग का सारा काम कंप्लीट हो गया, ब्लॉग सेटअप हो गया, आपका मोनेटाइजेशन का तरीका हो गया। अब आता है लास्ट पॉइंट, जो कि आपको रेगुलर पोस्ट करते रहना है। ये नहीं कि आपने इस वीक 5 पोस्ट कर दिया, नेक्स्ट वीक 0, नेक्स्ट वीक 1-2, ऐसा नहीं। आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि हर वीक आपको कितने आर्टिकल लिखना है आपके ब्लॉग के ऊपर। सपोज मान लीजिए कि आप हर हफ्ते 2 आर्टिकल लिख सकते हो। आप जितना क्वालिटी आर्टिकल लिख सकते हो उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। मैं हर हफ्ते 15-20 आर्टिकल लिख दूंगा, वो भी लो क्वालिटी का, तो उसका कुछ काम नहीं बनता। आप भले ही हर हफ्ते एक ही आर्टिकल लिखो, लेकिन उसका क्वालिटी बेटर होना चाहिए। तो हमेशा ये सोचें कि आप हर हफ्ते कितने आर्टिकल लिख सकते हो, 1 या 2। तो ट्राई करें हर हफ्ते आपको 2 ही आर्टिकल लिखना है और सेम जो डे है उसी डे पे आपको आर्टिकल पब्लिश करना है। तो गूगल को ये सिग्नल मिलता है कि जो आपका ब्लॉग है उसी मतलब डेट पे नया आर्टिकल पब्लिश हो रहा है या अपडेट हो रहा है, तो आपका जो आर्टिकल का इंडेक्स रेट है वो बढ़ जाता है। अगर आप रेगुलर पोस्ट करोगे, जैसे मैंने कहा हर हफ्ते आप 2-3 जितना भी आप पब्लिश करना है वो चीज़ आप करोगे, तो आपको इंडेक्सिंग का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। पब्लिश करते ही बहुत जल्द आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, पैसों के पीछे ना भागे, हार्डवर्क करें, मेहनत करें और पेशेंस रखें। ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब मैंने शुरुआत किया था तो 3 साल तक मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया, फिर मैं लगा रहा क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल जरूर सक्सेस मिलेगा। तो ब्लॉगिंग करना बंद ना करें। मैंने आज कुछ टॉपिक शुरू किया, मुझे 1-2 महीने बाद कुछ सक्सेस नहीं मिला, अच्छा ट्रैफिक नहीं आया, मैं छोड़ दिया, फिर दूसरा कुछ पकड़ लिया। इससे आप कुछ नहीं सीखने वाले। जब तक आप गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? तो इसीलिए जो भी आपका मिस्टेक हो रहा है, अगर दूसरा कोई बंदा उसी टॉपिक के ऊपर वो चीज़ करके कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्या मिस्टेक कर रहे हो? उसी चीज़ को ढूंढिए और कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा और आप एक अच्छा ब्लॉगर बन पाओगे। ऐसे ना कि दूसरे का वीडियो देख के जो बताते हैं कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे आर्टिकल जनरेट करना है, कैसे स्पिन करना है और उसे कैसे मोनेटाइज करना है। इससे ट्रैफिक नहीं आएगा, आप एडसेंस आपका ले लोगे लेकिन इससे पैसा नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि ट्रैफिक आएगा ही नहीं तो पैसा कहाँ से जनरेट करोगे। तो उन सब चीप तरीकों का फॉलो ना करें जो कि ऐसा तरीका बताते हैं कि आप रातों रात पैसा कमा लोगे, या फिर ऐसा तरीका से आप एडसेंस सफल ले लोगे। एडसेंस सब कुछ नहीं होता। आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है, आपको खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनाना है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा कि आपको एक हिंदी ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, शुरुआत से लेकर एंड तक क्या मेहनत करना है। इंग्लिश ब्लॉग की तरह हिंदी ब्लॉग में भी आपको वक्त लग सकता है, 6 महीने, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। आपको बस पेशेंस रखना है और अपना कर्म करते जाना है। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक्साइटिंग ब्लॉगिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।